वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि फिट फाट मजे से हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बहुत ही मज़ेदार सी दाल बना रही हूँ, दाल मूंग, ये छिलके वाली, जो इस तरह मैंने इसको धो लिया। ये 2 कप दाल है मेरे पास, जो इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक प्याज लिया जिसको मैंने हाफ इसको काट लिया है, मीडियम एक प्याज को बारीक इस तरह स्लाइस, और एक ही लहसुन की गट्ठी ली है इसको भी इस तरह छील लिया है, और एक टमाटर मैंने इसको बारीक काट लिया है। लहसुन आप चाहे चॉप कर लें, पीस लें, लेकिन मैं इसको इस तरह साबुत डालूंगी। ये बड़ा मज़ा आता है जब खाने में, जब हम दाल को खाते हैं, और इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे जिसमें ये हाफ हाफ टी स्पून है हल्दी, लाल मिर्च और वाइट पेपर और सॉल्ट है इसमें, और जो इसके अंदर तड़के के लिए चाहिए वो एक प्याज जो मैंने आधा पहले डाला है दाल के अंदर डालना है, और आधा इसको मैंने बारीक इस तरह तड़के के लिए काट लिया है। 5 से 6 ये गोल लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून जीरा है, और हाफ टी स्पून ही मेरे पास ये ब्लैक पेपर है जो कि मैं जब दाल पक जाएगी एंड में इसके अंदर ऐड करूँगी। बहुत ही मज़ा आता है इस दाल का, इसके अंदर ये ब्लैक पेपर का फ्लेवर आता है, और बड़ी ही मज़ेदार सी ये सादा सी घर के मसालों से बनने वाली दाल है। चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं इसको स्टे हेल्दी किचन में। पैन हमारा गर्म, पैन के अंदर मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया। ये देखिए ये गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर बबल भरना शुरू हो गया, तो मैं इसके अंदर दाल ऐड कर दूंगी। दाल को मैंने अच्छा सा धो लिया है, इसको भगोने की भगो के एक आधा घंटा या इस तरह रखने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये फटाफट से बनने वाली दाल है, और इसके अंदर सब कुछ साथ ही एक दफ़ा ही ये सारा कुछ हम डाल सकते हैं, जिससे ये बड़ी मज़े की दाल बनती है। ये जो मैंने आपको लहसुन प्याज और टमाटर दिखाए हैं चॉप किए हुए, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। साथ ही इसके अंदर ये जो स्पाइसेस मैंने दिखाए थे आपको, ये सब इसके अंदर चले जाएंगे। करेंगे इसको अच्छा सा मिक्स, अच्छा से मिक्स करके फ्लेम को मैंने हाई पे कर दिया है। इस तरह ये दाल बहुत मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनती है, यकीन करें आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और फिर ये कि फटाफट से बनने वाली है। चलिए अब मैं इसको करती हूँ कवर, और 20 से 25 मिनट में ये दाल बन जाती है। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, और फिर हम इसको लगाएंगे तड़का। स्टे हेल्दी किचन में बहुत ही मज़ेदार सी दाल मूंग तैयार हो रही है। ये देखें इसकी लुक, अब ये 30 से 40 मिनट हो गया मुझे इसको पकाते हुए लो फ्लेम पे। अब ये बड़ी अच्छी सी गल गई है। अब मैं इसको 2 से 4 मिनट इस तरह चम्मच की मदद से इस तरह थोड़ा सा इसको मैं मैश करूँगी, तो ये थोड़ी सी मैश हो जाएगी तो फिर बड़ी अच्छी लगेगी, और खाने में भी इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब मैं बस इसको थोड़ा सा मैश करके फिर इसको बाउल में निकालती हूँ, और फिर इसका तड़का तैयार करते हैं। 2 से 4 मिनट मैंने इसको मैश कर लिया है। ये देखें इसकी लुक, अब ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। अब मैं इसको बाउल में निकालती हूँ, और इसका करते हैं तड़का तैयार। फ्लेम को करते हैं बंद, मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। दाल को मैंने बाउल में निकाल लिया है, अब मैं इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। पैन में मैंने देसी घी डाला है, आप किसी भी ऑयल से या देसी घी का तड़का लगा सकते हैं, इससे दाल बहुत ही और टेस्टी और इसका मज़ा दुबाला हो जाता है देसी घी से तड़का लगाने से। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, जैसे ये पिघलता है घी, इसके अंदर डालूँगी मैं ज़ीरा। घी हमारा बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया, मैं इसके अंदर डालूँगी ये 1 टीस्पून ज़ीरा। साथ ही डाल देंगे प्याज, लो फ्लेम पे तो मैं लाइट सा कलर आने तक फ्राई करूंगी प्याजों को। दाल मूंग के लिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा तड़का देसी घी में तैयार हो रहा है। हम इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज, हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं ये 6 से 7। ये गोल लाल मिर्च डालूंगी इसके अंदर, बस तड़का हमारा रेडी है। फ्लेम बंद कर देंगे, तो इसके अंदर मैं डालूंगी ये ब्लैक पेपर जो मैंने हाफ टी स्पून आपको बताया था, ये डालेंगे, और अब तड़के को डालेंगे हम दाल के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ये थोड़ी सी इस तरह कटी हुई हरी मिर्चें, और लगाएंगे इसको तड़का इस तरह फैला के, ताकि सारी दाल में हमारा इसका टेस्ट चला जाए।
बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। गार्निश करेंगे हम हरी मिर्चों से। मेरे पास ये रेड मिर्ची हैं, इसका गार्निश करेंगे एक से दो, ये रेड चिली, ये ग्रीन चिली डालूंगी मैं, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ये धनिया, इस तरह गार्निश करेंगे धनिया के साथ। दाल के अंदर धनिया बहुत ही टेस्ट पैदा करता है। लीजिए फटाफट से हमारी मज़ेदार सी दाल मूंग रेडी है, बनाइए अपने घर में, एंजॉय करें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, और मेरे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।